एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी कोर्ट के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती इस वक्त देखी जा रही है। थोड़ी देर में मुख्तार पर फैसला आएगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कोर्ट आने जाने वालों की सघन जांच हो रही है, चेकिंग की जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सुरक्षा को लेकर कड़े बंदोबस्त वाराणसी कोर्ट के बाहर किए गए हैं। तो अवधेश राय हत्याकांड को लेकर के मुख्तार अंसारी दोषी करार दिया गया। एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। थोड़ी देर में मुख्तार पर फैसला आएगा और कोर्ट आने जाने वालों की चेकिंग भी की जा रही है सुरक्षा के लिहाज से, और जो लोग यहां से आ जा रहे हैं उनकी चेकिंग भी की जा रही है। और एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर पुलिस फोर्स तैनात, उसकी तस्वीर वाराणसी की इस वक्त आप देख रहे थे। न्यायपालिका कठोर कार्रवाई करेगी, कठोर दंड देगी। न्यायपालिका ने घोषित कर दिया, 2 बजे बाकी सजा का ऐलान करेंगे। क्या उम्मीद है 2 बजे किस तरह की सजा सुनाई जाएगी? मुझे लगता है कि कठोरतम दंड मिलेगा। अब ये तो हम न्यायपालिका यही करेगी, मैं तो इसके संदर्भ में इस मुद्दे पर, और ये भी उन्होंने दोषी करार दिया। पूर्व विधायक अजय राय जी ने 5 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसमें कि मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, कमलेश सिंह, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम और राकेश नाइक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था। मामला ये था कि अवधेश राय जी अपने घर के बाहर खड़े थे और ये लोग वैन से आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चला करके इनकी हत्या कर देते हैं। आज जब कोर्ट की शुरुआत हुई तो जज ने क्या मतलब जज ने 12 बजे का, आज के दोपहर के 12 बजे का समय नियत किया था। माननीय न्यायाधीश महोदय आते हैं और मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हैं और उनके सजा के लिए 2 बजे का समय नियत किया।